जस्ट हैव अ लुक गाइस, पुरी इज ओनली 42 किलोमीटर्स अवे एंड ये रहा भाई बीच एरिया। अब इधर ही होटल ढूंढना है भाई अपने को, देखते भाई कहाँ तक जाएगा। अरे 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 भाई, ये टैलेंट कहाँ से आ गया इसके अंदर। तो गाइस दिस इज अनदर डे भाई, और एक ऑटो वाला भी पूरा परेश हुआ था, तो भाई लोग ने मिलकर देखो पूरा हेल्प किया है। एक्चुअली ना वहाँ पे वेव्स आ गया बहुत तेज, तो बाइक गिर गया। जाओ ए, आ जाओ, मम्मी खोजेगी हमसे जवाब, पूछेगी कहाँ गया मेरा बेटा। So hello guys, once again welcome back to the channel guys, this is another day। और भाई आज हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर से पुरी की तरफ। सीन ये होने वाला भाई, यहाँ से 50-60 किलोमीटर का राइड होने वाला है और पुरी में जाके अपन स्टे करने वाले। शाम को थोड़ा बहुत पुरी एक्सप्लोर करेंगे जो भी आसपास का एरिया है, उसके बाद फिर कल चलेंगे हम लोग जगन्नाथ टेम्पल की तरफ, क्योंकि भाई सुबह सुबह जाएंगे, कोशिश करेंगे भाई नहावा के मस्त फ्रेश होकर निकल जाए। अभी चलते भाई, पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, भूख भी लगी काफी ज्यादा और अभी टाइम हो रहा है लगभग 11 सुबह के। भाई हर दिन ऐसे ही हो रहा है, मतलब राइड स्टार्ट ही हो रहा है लेट लेट से। बाकी ये देखो भाई तो रेडी हो गया है, और ये लड़का शकल इतना गंदा है भाई, छुपाते चलता है। देखो देखो गंदा शकल लड़का। भाई कल कितनी भी लिया मारी तुमने? गिनती भी नहीं है भाई के पास, लेकिन जो भी कह लो कल मजा काफी ज्यादा आया भाई। कल हमने भाई बहुत जगह एक्सप्लोर करा भुवनेश्वर में, थोड़ा किट के साइड गए थे, और कौन सा रोड, पटिया रोड ना, उतना रोड नहीं आया, लेकिन जो भी रोड था अच्छा रोड था, जो भी रोड था अच्छा रोड था, एग्जैक्टली पटिया रोड के साइड गए थे, काफी मजा आया। और भी भाई अभी भी यहाँ से निकलते हैं गाइस बिना लेट के, क्योंकि बैग वैग को भाई टक इन करना है पूरा बाइक के ऊपर, वो सबसे हेक्टिक प्रोसेस होता है लगेज को बाइक के ऊपर बांधना, तो वो सब करते हैं एंड सीधा मिलते हैं फिर आपसे ऑन GoPro। ऑल सेट टू रोल, और यहाँ से भी हम लोग निकले सीधा पूरी के लिए। बाकी एक बार आपको मैं टाइम एक बार चेक करा देता हूँ भाई, टाइम इज वेट अ मिनट भाई 11:26 इन द मॉर्निंग, और अभी अपन निकल रहे हैं। बाइक को हमने कोल्ड स्टार्ट कर दिया, इस बार लगेज को थोड़ा अच्छे से बांध रहा है कि लगेज में कोई प्रॉब्लम ना आए, और ग्लव्स भी हमने चेंज कर दिया है, थोड़ा सॉफ्ट ग्लव्स पहन लिया। सो नाउ इट्स टाइम टू रोल, और चलते भाई, ट्रैक्शन ऑन है मेरी बाइक में, विच मीन्स कि लास्ट टाइम बाइक किसी और ने चलाया होगा। चलो चलते गाइस, वी हैव टू कवर ओनली 60 किलोमीटर्स विच इज भुवनेश्वर टू पूरी। भाई सिर्फ 60 किलोमीटर कवर करना है, तो कोई चीज़ की टेंशन है नहीं, आराम आराम से जाएंगे। 11:30 हो रहा है और सबसे कम डिस्टेंस आज ही कवर करना है पूरे राइड पे, और सबसे पहले आज ही निकल रहे हैं। बाकी दिन तो भाई 12:30-2 बजे निकल रहे हैं, बट आज देखो भाई 60 किलोमीटर के लिए 11:30 बजे निकल गए, क्योंकि अपने को जल्दी से पहुँच के बाद चेक इन करना है, लगेज वगैरह चेक के फिर निकलना भाई, थोड़ा एक्सप्लोर करने पूरी को। ये जो बैग अभी हमने बांधा ना भाई, ये थोड़ा बढ़िया लग गया है, क्योंकि हर बार क्या हो रहा था बैग मेरी तरफ आगे की तरफ आ जा रहा था, ये एकदम सही लग गया है, परफेक्ट बैठ चुका है। ये जो रोड है ना भाई, इतना मज़ेदार है लग रहा है भाई, मतलब अभी अभी बना ऐसा वाला फील आ रहा है, और ट्रैफिक बीच में है थोड़ा बहुत, लेकिन राइड करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, खतरनाक वाला, क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी है। बस एक ही दिक्कत है ना, कोई भी कहीं से भी घुस जा रहा है, जितने भी इंटरसेक्शन है ना वहाँ पे बिल्कुल स्लो डाउन हो जाने का, वरना भाई कोई भी कहीं से घुस जा रहा है, और बिना इंडिकेटर बिना कुछ के घुस जा रहे लोग, ये एक थोड़ी दिक्कत वाली बात है। बाकी कैटल्स थोड़े कम दिख रहे हैं रात के मुकाबले, रात को तो भाई भर भर के बस कैटल्स दिख रहे थे रोड पर, और दिन में क्या ना विजन थोड़ा क्लियर रहता है, और रात को पता ही नहीं चलता अगर कोई काली कलर की गाय बैठी रहेगी सड़क पे तो कुछ भी नहीं पता चलता है भाई, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है क्रैश होने का। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे, इनफैक्ट बहुत सारे, स्पेशली जब ताज एक्सप्रेस वे और अरुणाचल एक्सप्रेस वे की बात की जाए, तो वहाँ पे तो बिल्कुल बीच पे बैठे रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा, जब एकदम क्लोज आ जाओगे ना तो आँखें चमकेगी, बॉडी तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि ब्लैक कलर टारमैक के साथ ना मैच कर जाता है। इस रोड में भी टोल प्लाजा मिल जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था, बट दिस इज नॉट अ 4 लेन बट भाई टोल प्लाजा है। भाई पता नहीं जब से हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट हुई ना, कम से कम तो भाई 12-13 टोल प्लाजा हमने क्रॉस करा होगा। और पता नहीं टोल प्लाजा क्रॉस करते ना भाई रोड अच्छा क्यों मिल जाता, थ्रॉटल आउट करने का मन करता है। जस्ट हैव अ लुक गाइस, पुरी इज ओनली 42 किलोमीटर्स अवे। गाइस 14 किलोमीटर्स मोर लेफ्ट ओनली, 14 किलोमीटर में अपन पहुंच जाएंगे भाई पूरी।
कल ना टेम्पल जाने का प्लान है, इसलिए आज ना हम लोग सोच रहे जो भी लोकल एरिया वो एक्सप्लोर कर लेते हैं आसपास। देखो बीच वाले लोकेशन पे शाम को चल लेंगे, अभी मुझे पहुँच के वहाँ ब्लॉग वगैरह भी एडिट करना, तो वो भी बहुत हैक्टिक हो जाता है यार। ट्रैवल के साथ एडिट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, शूट करने जितना बोलो मैं शूट कर लूँगा, बट एडिट करने में ना भाई मौत आती है। अभी 12 ही बजे, होपफुली अपन 12:20 तक पहुँच जाए। बाकी आपको मैं एक बात बताऊँ ना तो आप लोग शौक हो जाओगे, कैन यू गेस भाई ये RC जो है वो कितनी चली हुई होगी, एक बार कंडीशन आप देख लो। और मैं आपको ना आज दिखाऊंगा इसकी ओडोमीटर को, एक बार अगर आप ओडोमीटर देखोगे ना तो आप शौक हो जाओगे एक पल के लिए। और कितनी पुरानी वो भी बता दूंगा, उसके बाद आप फिर बताना कि ये RC का प्रॉपर यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। दिस इज़ द बस स्टैंड भाई, और ये बस स्टैंड इतना बड़ा, इतना सही लग रहा है दिखने में। पूरी सिर्फ 6 किलोमीटर और बचा हुआ भाई, लेकिन बस स्टैंड बहुत ही तगड़ा लग रहा है। जिन्हें भी नहीं पता भाई मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ, पूरी इज़ फेमस फॉर जगन्नाथ पुरी टेम्पल। और बीच तो है ही भाई, ये रास्ता जाता है टुवर्ड्स कोणार्क, कोणार्क भी हमने जाने का प्लान है टुवर्ड्स सन टेम्पल, अभी देखते हैं क्या सीन होता है। बाकी वहाँ से भाई व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। हमने सोचा भाई बाइक को लेकर ना कैसे भी बीच वाले एरिया पर जा सके, जहाँ पर पॉसिबल हो पाए, ऐसा नहीं है भाई इलीगली लेकर जाएंगे, जहाँ पर पॉसिबल हो पाए, जहाँ पर आराम से जा पाए बीच एरिया पर, वहाँ पर ले जाके थोड़े फोटोज़ वीडियोस निकालने के लिए, क्योंकि भाई बार बार ना ऐसा मौका नहीं मिलता भाई बीच पे बाइक पर आके फोटो वीडियो लेना। पूरी अस्वच्छ आइकॉनिक प्लेस भाई, ऐसे बोट्स ना काफ़ी सारे दिख रहे हैं, और सबसे बेहतरीन तो हमारा इंडियन फ्लैग दिख रहा है भाई, वो देखो लहराता हुआ भारत का तिरंगा। भाई ये लोग क्यों नहीं सुधरेंगे भाई, रॉन्ग साइड में क्यों आते हो यार, अंकल हंस रहे हैं। ये चेक करो भाई कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अपने को ना अभी होटल ढूंढना है, सबसे एक बड़ा हेक्टिक प्रोसेस ये होता है होटल ढूंढना, क्योंकि हमने पहले से कुछ भी प्री बुक नहीं कर रखा है। पहुँचेंगे डेस्टिनेशन पे, डिसाइड करेंगे एग्जैक्ट किस लोकेशन पे रुकना है, उसके हिसाब से फिर होटल हम लोग चूज़ करने वाले हैं। ऐसे ही भाई मोस्टली राइड पे करते, पहले से अगर प्री प्लान होता ना तो भाई उसमें पता नहीं चलता कहाँ रुक रहे हैं कहाँ नहीं। अभी जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे, अपने पास बहुत टाइम है भाई, अभी तो सुबह के 12 बज रहे हैं, इस वक्त तो अपन राइड स्टार्ट ही करते हैं। मतलब इस वाले रोड ट्रिप पे भाई पूरे सिटी में ना गोल गोल चक्कर काट काट के हम लोग पहुंच चुके बीच एरिया पे, एंड ये रहा भाई बीच एरिया। अब इधर ही होटल ढूंढना है भाई अपने को, लेफ्ट साइड में देख सकते हो भाई पूरा कंप्लीट बीच है ये। इतनी गर्मी में लोग बीच पे खड़े भाई मर जाएंगे गर्मी से, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है। तो बीच के पास होटल ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, विथ पार्किंग सबसे बड़ी बात है, पार्किंग भी मिलनी चाहिए। तो अभी भाई लगभग 3:30 बज रहे भाई, और हम और साहिल भाई हम दोनों कहाँ आ गए भाई। बीच पे आ गए, लड़का चप्पल भी होटल में छोड़ गया, होटल पे हमारा सामने ही बिल्कुल। तो अभी चल रहे भाई, और इस बीच का नाम सी बीच है ना भाई, नहीं गोल्डन बीच है, सॉरी गोल्डन बीच है। बाकी धूप तो है तगड़ी, और ये देखो इसको बहुत अच्छा, ओहो बहुत सही भाई, चलते भाई मज़े करेंगे। मैं तो फ़ोन लेकर आ गया जैसा, बट अभी मस्त पानी में जाकर नहाने का मन कर रहा है। इधर पत्ते चल रहे हैं भाई, और यहाँ पे भाई फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ बीच पे ऊँट, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा बीच पे ऊँट चलते हुए। अरे अरे पायरेक्स है अपने अपने फ़ोन में, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो लग रहा है अश्लील बीच पे आ गए भाई, मैं भी तुम मुझे छोड़ के मर जाना, अश्लील बीच पे आ गए भाई, और धूप इतनी तगड़ी है। वैसे बालू गर्म है क्या, अच्छा लग रहा है, अच्छा है। भी वो नहीं है। बीच पे होटल लेने का ये फायदा है। चलो यहाँ पे शंख भी मिल रहे हैं, बीच वाला आप लोग वो देखो, अभी आगे जाने पे ना वो बहुत ज्यादा नॉइज आता है, एकदम आगे तक जाओगे। चलो जाओ तो भाई देखते कहाँ तक जाओगे, दौड़ के जाना साहिल भाई दौड़ के, चलो दौड़ो दौड़ो देखते भाई कहाँ तक जाएगा। अरे 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 भाई ये टैलेंट कहाँ से आ गया इसके अंदर, ओ
भाई साहब गजब। तो भाई बीच पे मस्त नहा के देख लो भाई कैसा शक्ल हो चुका है, बाल का ना हालत ही खराब हो चुका है अभी आ चुके डोसा निपटा ने। इस भाई का स्नैप से खुद छोले भटूरे खा रहे स्नैप में डोसा ना। ये तो कुछ बोलना ही नहीं चाहेगा बेचारा, थक गया क्या क्या समझ में। चलो भाई इसको निपटाते हैं। भाई अभी हम लोगों ने ना भाई निपटा भी दिया डोसा और भाई का छोला भटूरा अभी तक नहीं आया। अच्छा देख लो भाई सच्ची बता दो बेचारा क्या हालत है, अभी तक नहीं आया भाई। A few moments later. So guys, this is another day, भाई और एक ऑटो वाला भी पूरा पलट चुका था, तो भाई लोग ने मिलकर देखो पूरा हेल्प किया है। एंड ऑटो के अंदर भाई सवारी पूरे लोडेड थे, लेडीज वगैरह भी, तो सभी लोग ने मिलकर हेल्प किया है। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई सिर्फ और सिर्फ कॉर्नरिंग की वजह से ऑटो पलटी है। हम लोग यहाँ पे रीशूट कर रहे थे तो हमने देखा तो हम लोग भी पहुँच गए हेल्प करने और फिर ऑटो को सीधा वगैरह कर दिया। इस बीच पे आए थे और बाइक गिर गया, ये चेक करो बाइक क्रैश हो गया भाई बीच पे। एक्चुअली ना वहाँ पे वेव्स आ गया बहुत तेज तो बाइक गिर गया। शिट मैन, और इसमें भी इसको क्लिप निकालना है, गिरे हुए बाइक पे भी। सही है भाई सही है बिल्कुल। फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं भाई पूरी मेन सी बीच पे और यहाँ पे भाई अच्छे खासे हमने रील वगैरह खींचे। बाकी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ भाई बीच पे हम लोग बाइक लेकर आए, 20 का और आराम से 20 का हाँ 20 का पानी है। और इधर देखो घोड़ा पे भी, घोड़ा पे चलने के लिए उधर QR कोड लगा हुआ है, QR कोड पे पेमेंट करो और घोड़ा पे बैठ के जाओ। इधर देखो भाई ये रहा फोन पे का QR कोड और इधर घोड़ा पे बैठ के अंकल ले जाएंगे। कितना रुपया लगता है अंकल, कितना रुपया, कितना पैसा लगता है इस पे जाने पे? 200 रुपया। 200 रुपया आपके पास होना चाहिए तब आपको घोड़ा पे लेके जाएंगे, नहीं तो फिर आप ऐसे आओ। भाई लोग रील शूट करते करते भाई को इतनी गर्मी लगने लगी ना, देखो कहाँ चला गया ये चला गया बीच के अंदर मतलब पानी के अंदर, ये चला गया वेव्स के अंदर भाई नहाने। क्या बना है भाई? बुड़बक भाई है, बुड़बक भाई है घर छोड़ के आया है नहाने के लिए, पटना छोड़ के उड़ीसा आया नहाने के लिए। इतने कहां ये देखो भाई कहां जा रहा है, जाओ ए! आ जाओ मम्मी खोजेगी, हमसे जवाब पूछेगी कहां गया मेरा बेटा। भाई कितना ही आगे जा रहा है वो देखो, ओह भाई साहब दो असली लड़के एकदम अंदर पानी में घुस के देखो क्या कर रहे हैं। ये देखो भाई ये दोनों एक दूसरे पे ना ब्रेथ फेंक रहे भाई, जो कहो ना राइड के अलावा ये जो फन होता है ना ये बिल्कुल ओहो खतरनाक। ये देखो भाई ऐसे बीच पे खेलने में ना बहुत मज़ा आता है, मैं नहीं जा रहा क्योंकि मुझे भाई व्लॉग शूट करना था और अभी मन भी नहीं है भाई नमकीन नमकीन पानी में जाने का। वापस होटल आ गए और अभी यहाँ पे देखो ये लगी बाइक और बच्चे लोग, कितना बाइक कितना साइलेंसर है, चार है, कहाँ है दिखाओ चार साइलेंसर, फाइव को साइलेंसर बोल रहे। तो गाइस तो आज है अगला दिन और सुबह के 6 बज रहे और फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं भाई मंदिर में दर्शन करने के लिए, नहा हुआ के फ्रेश हो चुके और ये एक बार नज़ारा चेक करो भाई, ये रहा दर्शन कर लो भाई आप लोग भी, ये रहा भाई टेंपल मेन टेंपल और यहाँ से भी अपने को अंदर जाना है, पहले जूता चप्पल ये सारा कुछ खोल के और फिर चलते हैं अंदर, फ़ोन अलाउड नहीं है तो भाई जो भी यहीं से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ अंदर फोन वगैरह लेके नहीं जा रही, इधर ही रख के फिर निकलते आगे। ये रहा प्रसाद और अभी मैं दर्शन वगैरह कर लिया, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया एंड ये चेक करो भाई ये रहा मंदिर। तो अभी ऐसे निकल रहे हम लोग वापस होटल पे एंड होटल पहुंच के भाई जल्दी से हम लोग अपना लगेज वगैरह पैक करके निकलना है भाई, क्योंकि ऑलरेडी आज लेट नहीं करना है ना भाई, आज लेट कोई दिक्कत नहीं करना, चलते हैं ऐसे निकलते हैं। सो ऑलरेडी गाइस तो भाई हमने दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिया है एंड अभी आज हम लोग वापस जा रहे हैं फिलहाल यहाँ से जमशेदपुर के लिए, जमशेदपुर अपना स्टे होने वाला है। बाकी गाइस आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, अभी भाई ये सारा कुछ निपटाना है देख लो, ये सबसे बड़ा तामझाम होता है बाइक के ऊपर बैग वैग लगाना, ये रहा बंजी कॉर्ड वगैरह तो अभी निपटाते हैं, बाकी भाई लोग भी ऊपर से आ चुके हैं। ये देखो भाई आ गया, हो गया भाई चले राइड ख़त्म। ये पार्ट जो होता है ना सबसे बोरिंग होता है, नहीं मतलब कहीं जाने का जो खुशी होता है और वही वापस जाने में लगता है भाई क्यों इतना जल्दी वापस जा रहे हैं। तो ब्लॉग को एंड करते गाइस, सभी सारे इस पे लोड करते, मिलते फिर किसी से ब्लॉग के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ एंड बाय बाय।